अक्षय कुमार, कृति सनन और जैकलिन फर्नांडीज स्टार एक्शन कॉमेडी फिल्म बच्चन पांडे सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को द कश्मीर फाइल्स जबरदस्त टक्कर मिल रही है। खास बात है कि जहां द कश्मीर फाइल्स भारत में 4000 स्क्रीन पर चल रही है, वहीं बच्चन पांडे का महज 1200 स्क्रीन पर ही संतोष करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री फिल्म द कश्मीर फाइल को शुरुआत में 630 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म को मिल रही बम्पर फीडबैक को देखते हुए इसकी स्क्रीन को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया था। वहीं पहला हफ्ता खत्म होते ही इसे दुगना करके 4000 स्क्रीन कर दिया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोई शक नहीं है कि बच्चन पांडे के लिए बॉक्स ऑफिस का सफर आसान नहीं होने वाला है। जहां इस हफ्ते में फिल्म को द कश्मीर फाइल्स से टक्कर मिल रही है, वहीं 25 मार्च को आ रही राजामौली की बिग बजट फिल्म RRR जो एक पेन इंडिया फिल्म है, हिंदी बेल्ट में लगभग 5000 से 5500 स्क्रीन पर फिल्में रिलीज होती है, जिसमें से 4000 स्क्रीन पहले ही द कश्मीर फाइल के पास है। बाकी 200-300 स्क्रीन गंगूबाई काडीवाड़ी, राधे श्याम जैसी फिल्मों के पास है। लिहाजा बच्चन पांडे के पास ओपनिंग के लिए 1200 से ज्यादा स्क्रीन नहीं है। द कश्मीर फाइल को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का जबरदस्त फायदा मिला है। 3.55 करोड़ की ओपनिंग लेते हुए फिल्म 6 दिनों में ही 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बच्चन पांडे की सफलता अब वर्ड ऑफ माउथ पर ही निर्भर करती है। ट्रेड पंडितों की माने तो बच्चन पांडे 10 करोड़ तक की भी ओपनिंग ले लेता है तो फिल्म के लिए वो काफी होगा, क्योंकि फिल्म के पास फिलहाल स्क्रीन काफी कम है। अक्षय कुमार के स्टारडम को देखते हुए हालांकि इसे औसतन ही माना जाएगा और इसी कारण बच्चन पांडे का मुश्किल हुआ सफर। कहना गलत नहीं होगा कि द कश्मीर फाइल्स के तूफान के सामने बच्चन पांडे का टिकना आसान नहीं होगा। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने 3.55 करोड़ की ओपनिंग के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब फिल्म हर दिन 18 से 19 करोड़ की कमाई कर रही है। गुरुवार को यानी के 7वें दिन फिल्म ने 80.05 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ द कश्मीर फाइल्स ने 97.30 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।